दो सवाल थे होमवर्क में, पास पेपर 9 सीव्यू क्लब और पास पेपर 14 है चौकार इंटरनेशनल हॉस्पिटल। सीव्यू क्लब में करवाना चाहूंगा ये, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि बड़ा आसान था, लेकिन फिर भी मैं सारा सवाल करवाना चाहूंगा। एक बार कर लेते हैं सवाल, क्योंकि आप लोग इसमें कंफर्टेबल हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो जरा क्विकली हो जाएगा ये, इतना मसला इसमें नहीं होगा हमें, ठीक है। लेकिन इसको इसको डिस्कस कर लेने के बाद फिर हम जो है वो पास पेपर 14 की एक दो एडजस्टमेंट जिनमें मसला आया हो शायद वो डिस्कस कर लेंगे, तो जरूरत महसूस हुई तो कल वो सवाल भी करवा दूंगा, ठीक है। होपफुली कल प्रिंसिपली ये टॉपिक पूरा कर लेंगे। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स आईकैप में डाले हैं अपनी किताब के अंदर, उनको मैं देख लूंगा किस हद तक हमने यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अगर नया टॉपिक शुरू कर भी देंगे तो फिर एंड में जो रिवीजन क्लासेस होती हैं उनके अंदर फिर इस गैप को देख लूंगा मैंने कैसे फिल करना है, ठीक है। कल का दिन होपफुली इस टॉपिक को कंक्लूड कर पाएंगे, ना भी कर पाए तो परसों में हो जाएगा, कोई नहीं मसला, ऐसा कौन सा मसला है, ठीक है जी। लेकिन फुली कंक्लूड नहीं होगा, इसके अंदर थोड़ी सी बात जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स आई के आपने डाले हैं उनको जरा मैं देख लूंगा एक नजर कि कितना उसका इस्तेमाल हमने करना है, कैसे करना है। लेकिन जाहिर सी बात है इस कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर देंगे, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे और वो जो डिस्कशन है वो साथ के साथ हो सकी तो ठीक है, वरना एंड पे जो 3-4 दिन हमने रिवीजन करनी है हर टॉपिक के गैप्स को देखना, उसके अंदर उसकी डिस्कशन भी हो जाएगी, ठीक है। कंफर्टेबल जा रहे हैं ना वैसे अभी तक तो, क्योंकि देखा जाए तो मेनली दो ही हमारे टॉपिक सब रहते हैं, एक ईपीएस है दूसरा रेशियोज है। इसमें आप कंफर्टेबल हो चुके हैं, मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हुआ इस टॉपिक में, आप लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मेरा कंफर्ट लेवल एक आध दिन में मजीद बेहतर हो जाएगा, ये सवाल भी इसीलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जो मजीद थोड़ी बहुत डिस्कशन है वो रिवीजन क्लास के अंदर इसकी कर लेंगे, ठीक है। इस सवाल के अंदर बेहतरी हमें भी अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर बेसिकली एक तो ये चीज थी कि स्टार्ट कर रहा है सीव्यू क्लब अपने ऑपरेशन इसी साल में, ठीक है जी, यानी कि स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 फरवरी 2015, ठीक है जी। तो एक तो ये इसका पहला साल, 31 दिसंबर 2015 की हमसे उसने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मांगी है, ठीक है। तो एक तो इस साल के अंदर हर चीज 11 महीने पे होगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा ओपनिंग भी कोई बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी चले, फिर जी कहता है स्पॉन्सर्स ऑफ द क्लब कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 मिलियन टूवर्ड्स जनरल फंड। जो स्पॉन्सर्स थे, जिन लोगों ने मिलकर क्लब बनाया था, उन्होंने 50 मिलियन उसमें डाल दिया और ये काम शुरू किया, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी? यह जनरल फंड है, ठीक है, तो जनरल फंड ही मिल गया, बस यही है जनरल फंड। ओपनिंग नहीं पड़ा था, सारे का सारा फ्रेश ही आ गया। अगर तकलीफ हो तो ओपनिंग की बजाय ये फॉर्मेट मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले बस जस्ट बनाया, तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसको यहाँ पे पॉज करके इतना फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पॉज करने के बाद जब आप लोग शुरू करेंगे तो फिर यहाँ से बात चल पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने उसी तरह से ओपनिंग जनरल फंड लिख दिया, भाई कोई मसला नहीं है, इधर ओपनिंग जनरल फंड के अंदर भी आप लिख दें तो काम चलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे आप, तो ओपनिंग जनरल फंड जीरो करके इसी दफा फ्रेश जो जनरल फंड में पैसे आए हैं बैंक के साथ जो एंट्री हुई है, बैंक डेबिट जनरल फंड क्रेडिट, वो भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से सही है, काम चलेगा, ठीक है ना, जैसे मर्जी कर लें। अच्छा, उसके बाद और ये नजर भी आ रहा है आपको बैंक के अंदर, ये रिसीव पेमेंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या चीज नजर आ रही है, वही 50 मिलियन का। जी पॉज करें, 50 मिलियन की रिसीट एंड पेमेंट के अंदर सबसे पहली एंट्री इसी की आ रही है, रिसीट पेमेंट या बैंक कह लो डेबिट और जनरल फंड क्रेडिट। फिर जी ज्वाइनिंग फीस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, बेवरेजेस की शायद ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी सेल्स आ रही है, फिर फिक्स्चर्स खरीदे हैं, वैन खरीदी है, सैलरीज पे की है, रेंट है, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बेवरेजेस है, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स कहेंगे इसे, और एडवांस फॉर प्लॉट है और बैलेंस नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये किसी और लाइट में मसला आ रहा है। अच्छा अच्छा जी, अब सवाल के अंदर कोई ओपनिंग तो होना नहीं था, क्लोजिंग भी उसने निकाल के नहीं दिए, हमें क्लोजिंग भी खुद निकालने पड़ेंगे। अब इसका तरीका कार फिर ये होना था सवाल का, बाकी तरतीब तो हमने वही रखी, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग इस तरह से अवेलेबल नहीं है कि हर एक का ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो अवेलेबल हो, हम फटाफट लेजर बना ले। अब उसका तरीका फिर ये है कि एक दफा सवाल दो दफा पढ़ के आप फिर फॉर्मेट बनाकर शुरू करते हैं, तो दो दफा सवाल पढ़ते पढ़ते ही हम एक काम कर सकते थे जो आपको कर लेना चाहिए, जिससे आपको आसानी हो जाती कि जो भी आपको पॉइंट नजर आए, ठीक है, जो नीचे रेफर हो रहा हो वो पॉइंट नंबर पर्चे के ऊपर ही उसके साथ लिखे। जैसे स्पॉन्सर्स कंट्रीब्यूशन तो नजर आ रहा था टॉप पर ही, उसके साथ तो कोई पॉइंट नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट ज्वाइनिंग फीस का है और सब्सक्रिप्शन इनकम का, ठीक है ना। तो हम अगर पॉइंट वन लिखना चाहें तो वो ज्वाइनिंग फीस के साथ लिख सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के साथ, यानी जब
हम रिसीट पेमेंट से आज सवाल इनफैक्ट शुरू करेंगे। तो जैसे रिसीट पेमेंट के अंदर ज्वाइनिंग फी और सब्सक्रिप्शन आएगी, हम पॉइंट वन भी साथ पढ़ के, तो सब्सक्रिप्शन का अगर लेजर बनता हुआ तो वो बना लेंगे, ज्वाइनिंग फी का लेजर बनता हुआ अगर बनता हुआ तो वो बना लेंगे। तो समझ आ रही थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद जनाब सेल ऑफ बेवरेजेस है, और पॉइंट टू पॉइंट थ्री ये दोनों पॉइंट रिलेट करते हैं बेवरेजेस के साथ, ठीक है। तो जब भी हमने ये फिगर उठानी है तो पॉइंट टू और पॉइंट थ्री हमने इसके साथ पढ़ लेना है, ताकि साथ साथ ये एंट्रीज आज राजस्थान से चलना पड़ेगा, मजबूरी है, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है। तो पॉइंट पढ़ के इस तरफ आना उससे ज्यादा बेहतर है कि तरतीब से चल जाता है सीट पेमेंट की, साथ ही हमने सवाल पढ़ते पढ़ते ये पॉइंट्स लिख लिए। ये मैं आप लिख रहा हूं जो आप पर्चे के ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। ये मैं बाद में लिख रहा हूं भाई, सवाल का ऐसा नहीं है प्लीज, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने लिख लेने और तरतीब योगी रिसीट पेमेंट से चलेंगे और साथ साथ ये पॉइंट्स पढ़ते चले जाएंगे। अब जहां जहां पे आपको नजर आए सेल ऑफ बेवरेजेस का पॉइंट, जैसे यहाँ पे पेमेंट ऑफ बेवरेजेस है, ठीक है, तो इसके साथ भी आप जगह ही कोई नहीं है, खैर से इसके साथ भी आप पॉइंट अपने पास तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट थ्री और पॉइंट टू लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट फोर जो है वो सैलरीज के साथ रिलेट कर रहा है, पॉइंट फाइव रेंट के साथ रिलेट कर रहा है। तो सैलरीज के ऊपर जब आएंगे इस तरफ तो कौन सा पॉइंट है जी, पॉइंट फोर, और रेंट के साथ कौन सा पॉइंट रिलेट कर रहा है जी, पॉइंट फाइव। नेक्स्ट यूटिलिटीज के साथ आप बताते जाओ जल्दी से, सेवन है, सिक्स किसके साथ, सिक्स है प्रेजेंटली क्लब इज ऑपरेटिंग ऑन रेंटल पर हावर प्लॉट ऑफ लैंड वो एडवांस और प्लॉट के साथ शायद ये रिलेट कर रहा है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर सिक्स। तो आसान हो जाएगा एकदम से, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद पॉइंट सेवन है वो इंश्योरेंस से रिलेट कर रहा है यूटिलिटी से, और पॉइंट एट इंश्योरेंस से, तो ऊपर यूटिलिटीज भी नजर आया था हमें, यूटिलिटीज के साथ कौन सा पॉइंट है जी, पॉइंट सेवन, और इंश्योरेंस के साथ। तो उन्होंने भी गैर तरतीब तो रखी थी काफी हद तक, लेकिन हम बस ऐसे ही चलेंगे, यहां से फिगर उठाएंगे, साथ वो वाला पॉइंट पढ़ेंगे और उसका मुकम्मल काम करके आगे चलते जाएंगे, ठीक है। चाहे बैलेंसिंग अगर निकालो चाहे ना निकालो, लेकिन एडजस्टमेंट की सवाल क्या था बैलेंसिंग जो होती है ना वो हमारे एंड में पेंडिंग की होती है, सवाल पे जो कुछ हो उसका वो सारा हम करके आगे चले जाएंगे, ठीक है जी। और रिपेयर मेंटेनेंस के साथ कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नाइन, ठीक है जी। परचेज ऑफ बेवरेजेस के साथ तो वन और टू और थ्री ऑलरेडी हो रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट जो है वो रेफर हो गए हैं सिवाय फर्नीचर के, पॉइंट टेन बता रहा है जी, फिक्स्चर्स, फिक्स्चर्स और वैन दोनों का ही बता रहा है, रेट वगैरह कौन सा जी, पॉइंट पॉइंट टेन, ठीक हो गया जी। चलो अब सवाल में कुछ नहीं रहेगा, ये आपने इसी तरह से कर लेना है, पर्चे में ऐसा सवाल कभी आए तो ये काम कर लेना, रिसीट पेमेंट के ऊपर ही आप सवाल पढ़ा ना, पढ़ के आपने साथ साथ पॉइंट्स लिख लिया, अभी भी आप लोगों ने बुक मुझे पता है लिख लिया, ठीक है जी। कुछ नहीं, इतनी मार्किंग की खैर है, ठीक, क्रॉस अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो टिक क्रॉस अंडरलाइन तो कर सकते हो, इससे कोई मना नहीं करता, तो ये टिक क्रॉस ही है, पॉइंट्स ही लिखते हैं बस, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब सही है जी, चलें आगे, चलो फिर शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहले अब ओपनिंग जनरल फंड आ रहा है, ठीक है, वो टॉप पे आ रहा है, तो बात यहीं से शुरू कर लेते हैं। जो 50 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, मैंने आपको कहा कि आप इसको ओपनिंग यहीं पे ब्रैकेट लगाकर लिख लो, फ्रेश इंट्रोड्यूस, ठीक है ना, ये इतना भी लिख सकते हो, ओके, फ्रेश जनरल फंड के अंदर फ्रेश कंट्रीब्यूशन आया, ठीक है ना, फ्रेश कंट्रीब्यूशन कर लो, ठीक हो गया जी। अब एंट्री डबल, अपना काम शुरू करें, रिसीट पेमेंट डेबिट टिक किया हमने, ठीक है, रिसीट पेमेंट है ना, देखो पढ़ लो, फॉलोइंग उपाय कह रहा था, स्पॉन्सर ऑफ क्लब कंट्रीब्यूट 15 मिलियन टुवर्ड्स जनरल फंड फॉर स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन एंड प्लेस द अमाउंट इन द बैंक, ये पैसे उन्होंने बैंक में रखवा दिए। फिर फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट समरी फॉर द पीरियड फॉर फ्रॉम 1 फरवरी टू 31 दिसंबर 15, ये फिर 11 महीनों की रिसीट पेमेंट की समरी आ, रिसीट पेमेंट मतलब कैश भी और बैंक भी है, आज बना हुआ है तो हम इसको नहीं बनाएंगे, हम ना कैश का लेजर बनाएंगे ना बैंक का, रिसीट पेमेंट इकट्ठा ही बना हुआ है, ठीक है, आसानी हो गई। तो सबसे पहले क्या गया जी, ओपनिंग कोई नहीं है, देख लो ओपनिंग नील है, ओपनिंग क्यों नील है, शुरू साल, ठीक है। सबसे पहला काम ही क्या हुआ, स्पॉन्सर को 50 मिलियन एंट्री की, बैंक डेबिट हमने और फ्रेश कंट्रीब्यूशन किया 50,000, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ज्वाइनिंग फी और सब्सक्रिप्शन के लिए अब पॉइंट नंबर वन पढ़ते हैं, अच्छा पॉइंट वन को कहता है ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000। जल्दी जल्दी सवाल करेंगे ताकि छोटे मोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करें ना, उसके बाद जैसे जो स्पेसिफिक फंड्स वगैरह की डिस्कशन रहती है इस तरह की चीजें, ठीक है ना, लाइफ मेंबरशिप तो होगा डिस्कस। अच्छा ज्वाइनिंग फी के बारे में कह रहा है कि जी मेंबरशिप जब लेने आते हैं ना मेंबर्स को, ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप, यानी जब हम मेंबरशिप देते हैं उनको अवार्ड करते हैं, वो कितनी है जी, 50,000, हम 1,000 में चल रहे हैं तो 50 बोलूंगा मैं। फिर एक बार ज्वाइनिंग फी ले लेते हैं, उसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन है 24, सालाना 24 रुपए फिर अलग लेते हैं, 50 एक बार ले लेते हैं, तो ये 50 ज्वाइनिंग फी, ये क्या है, ये भी इनकम है भाई, ये भी इनकम है, मेंबरशिप फी कह लें इसको, ज्वाइनिंग फी कह लें, मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ इनकम के अंदर ज्वाइनिंग फी नहीं बताया था, तो अपराधों का
ज्वाइनिंग फी या मेंबरशिप फी, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे सब्सक्रिप्शन सोर्स ऑफ इनकम है, डोनेशन सोर्स ऑफ इनकम है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज आने वाला प्रॉफिट सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कोई इवेंट करवा देना उससे इनकम आ जाए, ये सारे सारे के सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज ऑफ इनकम है, ठीक है। अच्छा, ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 इयर्स। अच्छा सर, इससे तो पहले जरा सब्सक्रिप्शन को बाद में देखते हैं, पहले ज्वाइनिंग फी की बात कर रहे हैं। ज्वाइनिंग फी क्या है, जैसे रिसीव की वैसे इनकम बन गई। कल को बंदा छोड़ जाए, ज्वाइनिंग फी कोई भी नहीं वापस करता, मेंबरशिप फी कोई नहीं वापस करता, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग फी ऐसी को बात होती तो लिख देता सवाल, ठीक है। ज्वाइनिंग फी इनकम है, 50 रुपए हर मेंबर से लेते हैं। अब देखना ये पड़ेगा, एनुअल सब्सक्रिप्शन को बाद में देते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ये आगे देखो मेंबर्स कितने हैं। द मेंबरशिप्स वर अवार्डेड एज फॉलोज। मार्च में 112 नंबर ऑफ मेंबर्स हमने, हमारे 112 मेंबर्स आए हमारे पास। जून में 98 आए, सितंबर में क्वार्टरली आ रहे हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब दिसंबर के अंदर, यानी दिसंबर वाले क्वार्टर में 105 आ गए, ठीक है ना। लेकिन ये मंथली बेसिस पे हैं, मार्च में आए, जून में आए, सितंबर में आए और दिसंबर में आए, टोटल कितने हो? 416। अब 416 मेंबर्स हैं, हर एक से 50-50 रुपए इन्होंने ले लेना ज्वाइनिंग के वक्त, कितना? 20,800। अब 20,800 रिसीव किया है, चेक करो 20,800 नजर भी आ रहा है। तो सिंपल, दिस इज इनकम। तो एंट्री बन गई रिसीव पेमेंट डेबिट, और कोई लेजर नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर ले आया ज्वाइनिंग फी इनकम है, ठीक है जी। 208 ठीक हो गया जी। चले अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन के ऊपर कहानी शुरू करते हैं, जानी की हो गया। अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, वैसे वो कह रहे हैं 29,952 रिसीव हुई पड़ी है, रिसीट पेमेंट में कह रहे हैं, ठीक है। रिसीट पेमेंट मतलब कैश भी है, बैंक भी है, लड़ाई खत्म होगी, ठीक है, समझ रहे हो। अब वो कहता है एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 24,000। All new members pay 3 year subscription in advance. मतलब हर एक से annual 24 लेना है, ठीक है। तो सबके सब से 416 से उन्होंने जिस दिन वो आए हैं उसी दिन 3 साल की सब्सक्रिप्शन ले ली। इसका मतलब अगर मैं यूं कहूं कि ऑल मेंबर्स जो है 416 के 416 मेंबर्स जो है, हर एक ने 24 दिया और 3 साल का दिया, ये 3 साल की सब्सक्रिप्शन बनती है ना। एक साल की कितनी है जी? 24 और 3 की 24 × 3, ठीक है, कितना आ गया टोटल? निकल ही आती है, चेक करो, ये अमाउंट भी मैच कर रही है, ठीक है। तो अब सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट बनेगा, ओपनिंग उसमें कुछ भी नहीं आएगा और कैश ये आ गया। लेकिन अब अगली बात मसला है, वो मसला ये है कि इसमें बहुत सारा एडवांस बन रहा है। जैसे मार्च में आने वाले के, चलो आपने कोई 9 महीने सर्विस दे ली आपने, 9-10 महीने कह लो, ठीक है, तो ये तो इनकम में डाल सकते हो, लेकिन लिए तो उससे भी 3 साल के पैसे हुए, ठीक है ना। ऐसे ही इन सब से 3-3 साल के पैसे लिए हुए, तो इन सब की बहुत सारी सब्सक्रिप्शन का पोर्शन जो है वो क्लोजिंग में एडवांस बनता है, लाइबिलिटी बनती है। नॉन करंट और करंट तो बाद में अलग करेंगे, पहले ये निकाल तो लेंगे क्लोजिंग में एडवांस कितना। अब सिचुएशन पहले देखते हैं कौन सी इजी लग रही होगी, जो इजी लग रही होगी उसी को ही कर लेंगे। पहले इनकम निकलती हुई तो इनकम पहले निकाल लेंगे, ऑप्शन है ना हमारे पास। देखिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है, यार यहाँ पे कितने को एक्सपेंसिज है, 3-4 है ना, बस जीपी तक है जगह, ये भी वही निकल गया। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट बना लेते हैं, इनकम अकाउंट, ठीक है। तो भी लिखेंगे यहां पर 0 0, फिर चेक कर लिया हमने कि रिसीट पेमेंट के अंदर 29,952 रिसीव हो चुका है। तो एंट्री करेंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, 29,952 रिसीट पेमेंट लिख लो, कैश एंड बैंक लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब रिसीवेबल तो कुछ भी नहीं होना, क्यों? हर एक बंदे से हमने एडवांस भी ले लिया, और एडवांस भी 3 साल का ले लिया, इसका मतलब ये तो पक्की बात हो गई। अब दो चीजें मिसिंग है, एक क्लोजिंग एडवांस और दूसरा सब्सक्रिप्शन इनकम। हमने वायलन फैमिली क्लब वाले सवाल के अंदर क्लोजिंग पहले निकाल दिया था और इनकम बाद में निकाल ली थी, क्योंकि वहां पे हमें क्लोजिंग आसान लग रहा था, ठीक है, वैसे दोनों ही निकल सकते थे। यहां पे अब देख लो, सब्सक्रिप्शन इनकम भी निकल सकती है और क्लोजिंग एडवांस भी निकल सकता है, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला कुछ इस तरह से है, ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप, एनुअल सब्सक्रिप्शन इज मेंबरशिप वर अवॉर्डेड एज फॉलोज, का मतलब मार्च में 112 बंदे मेंबर बन गए, ठीक है, फिर
जून जून तो ये बनता है ना, जून में कितने बने 98, देखो ना जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में मतलब मार्च का स्टार्ट लेंगे फिर, ठीक है अप्रैल मई जून तो जून का स्टार्ट लेंगे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कह दो ना मैं साल पूरा करूँ दो। अच्छा जी, उसके बाद भाई सितंबर में आए कितने, हर तीन महीने बाद मेंबरशिप ओपन करते होंगे शायद जी, और फिर दिसंबर में, तो ये पहले पहले दिन देख लिया। अब मसला ये है कि इसमें से कितना अर्सा एडवांस है ये निकालना शायद ज्यादा मुश्किल है। इसकी बजाय सादा बात, अगर आप इससे 112 लोगों से आपने 24-24 के हिसाब से लिए हैं पैसे, तो उसको छोड़ो, ये बताओ कि इनका इस एक साल का तो 24 बनता था ना, एक साल का 24 बनता है, और इस साल में कितने महीने इनको सर्विस दी है, 10 महीने, तो शायद इनकम निकालना आसान है। इनको 10 महीने सर्विस दी है तो 24 का 10/12, इनको 7 महीने दिए तो 24 का 7/12, इनको 4/12 24 का, इनको, तो मेरे ख्याल में इनकम निकालना कुछ ज्यादा आसान लग रहा है। तो आज कोई बात नहीं, आज हम सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल लेते हैं। 2.1 सब्सक्रिप्शन इनकम, वो जैसे कभी कभी इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले सारा डाटा दिया था ना, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट दे दी, लोन के आने की डेट दे दी, लोन का इंटरेस्ट रेट दे दिया, तो हम पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस भी निकाल लिया करते थे बजाय से क्लोजिंग निकालें, डाटा मुश्किल होता था, तो अगर ये क्लोजिंग नहीं निकल रहा होता, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, सब्सक्रिप्शन भी दे दी उसने एनुअल, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स भी दे दिए, ज्वाइनिंग डेट भी दे दी। वैसे अक्रूवल के अंदर हमने इंट्रो में से सीखा हुआ है कि ओपनिंग पहले लिखते हैं, फिर कैश रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं, और बैलेंसिंग इनकम एक्सपेंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी सवाल में डाटा ऐसी तरह दे दे, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस के केस में अगर मैं एग्जांपल लूं, तो ऐसी तरह दे दे कि लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट ऑफ लोन गिवन हो, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले निकाल लें, और इनकम के केस में, सब्सक्रिप्शन के केस में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स बता दे, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट बता दे, डेट ऑफ जॉइनिंग बता दे, तो सब्सक्रिप्शन इनकम पहले निकाल सकते हैं। तो ये रूल लिख लो अपने पास, ये लिख लो, वैसे कई काम ही आ जाए, वैसे तो इंट्रो में भी लिखवाया जाता है लेकिन वो भूल जाते हैं आप लोग, तो लिख लें। अब पहली बात जरा ध्यान में रखें, ये किस कॉन्टिन्यूटी में लिखवा रहा हूं मैं, और भाई नॉर्मल स्पीड कर लो। अच्छा, ये किस कॉन्टिन्यूटी में मैं लिखवा रहा हूं ये जरा सुन लो, कि ऑनलाइन वालों को बोला नॉर्मल स्पीड जो डबल 2.5 पे चल रहे थे, उन्हें क्या समझानी है कॉन्टिन्यूटी क्या है, ये सुनो। पहले वो वाला नॉलेज पुराना, ये जो आपको अक्रूवल यहाँ रिवाइज भी कराया था, चार स्टेप्स ऑफ अक्रूवल लिखवाए थे, फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग लिखते हैं, फिर हम कैश रिकॉर्ड करते हैं, और कैश रिकॉर्ड करते हुए हम अंधाधुंध कैश रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, फिर क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती है, एक्सपेंसेस के केस में या इनकम केस में, ठीक है। इन एक्सपेंसेस का लेजर होता एक्सपेंस निकलेगा, इनकम लेजर होता इनकम निकलेगा, ठीक है ना। तो असल तो ये पुराना रूल हमने पढ़ा हुआ है कि हम ओपनिंग लिखते हैं, कैश लिखते हैं, क्लोजिंग निकालते हैं, और बैलेंसिंग इनकम या एक्सपेंस निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा डाटा दे देता है कि इनकम या एक्सपेंस पहले निकल सकता है, तो मैं उसके बारे में अब ये उसूल लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लिखो अब, अगर कभी सवाल में पहले हेडिंग बनाओ इंटरेस्ट एक्सपेंस, मिसाल के तौर पर अलग अलग कर लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस कर लेते हैं और दूसरा सब्सक्रिप्शन इनकम कर लेते हैं, तो फिर रेंट एक्सपेंस, रेंट इनकम, ये भी उसी के अंदर ही शामिल हो जाएंगे ना। एग्जांपल के तौर पर लिखवा, लिखो हेडिंग बनाओ इंटरेस्ट एक्सपेंस, और लिखो अगर कभी सवाल में डाटा ऐसी तरह दे के लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, अगर कभी सवाल में डाटा ऐसी तरह दे दे के लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट ऑफ लोन गिवन हो, और डेट ऑफ लोन गिवन हो, तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल किस लिए लिखवाया भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बना रहे हो और पुराना असूल याद क्या है अक्रूवल में, कि ओपनिंग लिखते हैं, कैश लिखते हैं, क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं, और बैलेंसिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है। लेकिन कभी डाटा ऐसे दे दे कि क्लोजिंग ना निकल रहा हो, बल्कि इस तरह का डाटा गिवन हो कि लोन की प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन हो, और जिस दिन लोन आया वो भी गिवन हो, तो फिर पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लो, निकाल सकते हो ना, लोन पे इंटरेस्ट रेट लगाओ और फ्रैक्शन लगा दो। अच्छा, और अगर सवाल के अंदर रेट ऑफ लोन ना गिवन हो, तो अज्यूम करते हैं साल के पहले दिन से आउटस्टैंडिंग है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, दूसरी हेडिंग बनाओ अब, सब्सक्रिप्शन इनकम, ये तो है ना एक्सपेंस का केस, अब इनकम केस के अंदर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन की लिख लो, सब्सक्रिप्शन इनकम,
उसके लिए लिखो जी, अगर कभी सवाल में ऐसी तरह डाटा दे दे, अगर कभी सवाल में ऐसी तरह डाटा दे दे के सब्सक्रिप्शन की अमाउंट के सब्सक्रिप्शन अमाउंट के सब्सक्रिप्शन अमाउंट नंबर ऑफ मेंबर्स और डेट ऑफ ज्वाइनिंग गिवन हो, अगर कभी सवाल में ऐसी तरह डाटा दे दे कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नंबर ऑफ मेंबर्स और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दे, अगर कोई सवाल में ऐसी तरह डाटा दे दे कि नंबर ऑफ मेंबर्स सब्सक्रिप्शन अमाउंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग गिवन हो तो हम सब्सक्रिप्शन इनकम की अमाउंट पहले निकाल सकते हैं, तो हम सब्सक्रिप्शन इनकम की अमाउंट पहले निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको अप्लाई करते हैं। इधर देखें कितने मेंबर्स आए जी मार्च में, 112। तो 112 मेंबर्स ने 24-24 दिया। अब सब्सक्रिप्शन इनकम जो है ना, इधर देखो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो तीन साल के एडवांस को छोड़ो, इधर देखो यहाँ पे वो सारा एडवांस ले तो लिया है। अब जब यहाँ पे हम इनकम निकाल लेंगे तो बैलेंसिंग सारे का सारा एडवांस चला ही जाएगा, इसलिए सिर्फ फोकस करो आप एक साल में इनकम निकाल लें, ठीक है। तो 112 बंदे किस दिन आए, मार्च वाले हैं। ये कौन से वाले हैं जी, मार्च वाले। तो फिर इनको कितने महीने सर्विस दे ली, तो इनके 24 पूरे को आप आज इनकम में नहीं डाल सकते, इसका 10/12 इनकम में जाएगा, 2240। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट स्लॉट कब आई, जून में आ गए। अब जून वाले कितने हैं, 98। इनसे भी 24-24 लिया, लेकिन इनको सिर्फ 7 महीने सर्विस दी है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इनका पूरा 24 आप इनकम में नहीं डाल सकते। हम इनकम निकाल रहे हैं 7/12 जी 1372। फिर कब आए जी मेंबर, सितंबर में कितने आए, 101। इनसे भी 24-24 पकड़ लिया, लेकिन सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने सर्विस दे के पूरा एनुअल 24 है, एनुअल है 24 सब्सक्रिप्शन 24 है, ये एनुअल गिवन है, तो पूरा साल पूरा 24 इस साल इनकम में नहीं डाल सकते। तो 4/12 का इनकम बना लो, 808 दिसंबर, ठीक है। और जो लोग दिसंबर में आए वो कितने थे, 105 जो आए, इनसे भी 24-24 पकड़ लिया, वो तो 3-3 साल का पकड़ा हुआ, लेकिन वो कैश लिखा हुआ हमने। अब इनको सिर्फ 1 महीने सर्विस दिया, इनकम में 210। अब 4630 क्या है जी, सब्सक्रिप्शन। तो ये आज हमने वर्किंग 2.1 में निकाल ली, 4630 कि वहां पे भी चली जाएगी। बहरहाल अब बैलेंसिंग फिगर, कितनी आ रही है जी, 2532। ठीक है, अब एक मसला हो गया, वो मसला ये है कि 3-3 साल का एडवांस पकड़ लिया हमने। अब मैं सारे का सारा 25322 नॉन करंट में भी नहीं लिख सकता, सारे का सारा करंट में भी नहीं लिख सकता, ये बात समझ आ रही है। क्योंकि इधर देखो ना, इन सब की 3-3 साल की एडवांस सब्सक्रिप्शन पकड़ लिया आपने, वो कहीं यहां पूरे होंगे जाके, तो कुछ पैसे तो इनमें से इस साल में इनकम बन जाने, जो पकड़े हमने, जो इस साल के भी बाद में इनमें से इनकम बन गया और उस साल के भी बाद में इनकम बनने हैं, वो तो नॉन करंट बन गए ना, बात समझे हो। अब अगेन मैच पड़ गया, ठीक है, कि करंट कितना और नॉन करंट कितना। तो बहरहाल इस 25322 को हमने दो टुकड़े तो करना है, ठीक है जी, इसमें कुछ करंट होगा कुछ नॉन करंट। अब वो गवर्नमेंट ग्रांट वाला टॉपिक जेन के अंदर लाओ और मुझे ये बताओ कि करंट और नॉन करंट की बाइफरकेशन करनी हो तो पहले कौन सा, बोरिंग कॉस्ट में भी ऐसे ही करते थे हम, पहले करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि करंट को संभालना देखना आसान, अगले 12 महीने देखने, अगले 12 महीने देख के उससे करंट निकाल लो, बाकी जो है सारे का सारा नॉन करंट, ठीक है। तो करंट निकाल लेते हैं जी पहले। हाँ भाई, करंट पोर्शन निकालना तो बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। तो भाई करंट पोर्शन तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि अगले साल के पहले दिन ये सब के सब मेंबर होंगे, ये सब के सब अगले साल के पहले दिन मेंबर होंगे और अगले साल के आखिरी दिन तक मेंबर होंगे, तो अगले साल तो इनकम निकालना ऐसे चुटकी का काम है। यानी ये टोटल कितने मेंबर अभी वहां कैलकुलेट किए थे, 416 है ना, ये 416 के 416 जो है
इनका 24 का 24 सारा ही क्या है, ये करंट पोर्शन है कितना 99884। अब अगर ये करंट है तो फिर टोटल में से बाकी नॉन करंट पोर्शन, ठीक है जी। आप ये लिखोगे ये क्या है जी, ये बैलेंसिंग निकालना है हमने, क्या निकालना है जी बैलेंसिंग निकालना है हमने, कैसे टोटल है 25322, इसमें से माइनस कर दो 99841533। तो ऐसे कर लो वर्किंग, आपकी मर्जी है, ये तो ब्रैकेट में भी आप कर सकते थे काम, ठीक है ना। क्या आप जी बेटा, हाँ बस ठीक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखकर हेडिंग ना बनाए नॉन करंट की, नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगे स्वयं की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लगाते हैं नॉन करंट एनालिसिस के बैलेंस शीट के ऊपर कि वो करंट नॉन करंट जहाँ पे बायफर्केट करना हो वो कर दें। इस सवाल में तो सारी लड़ाई इसी बात की थी, ठीक है, वरना आप यूं लिखेंगे लायबिलिटीज में, लायबिलिटी और लायबिलिटी फर्क क्या है तो बता दो ना यूजर को, इसमें से कितना करंट और कितना नॉन करंट। अब यहाँ पर आसानी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और इधर देखो इधर भी क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, कोई करंट नॉन करंट लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर हेडिंग तो पड़ी हुई है, ठीक है। अब वर्किंग टू ही लिख दो फिर, वैसे यहाँ पे आप पर्चे में डायरेक्ट करते तो क्या करते, यहाँ पे करंट के अंदर आप ये लिख लेते 416×24, और यहाँ पे आप लिखते 25322-9984। तो यहीं ब्रैकेट में भी हो सकता था ये काम, ये समझ आइए बात की, लेकिन मैंने जो कर दिया इसलिए मैं इसको वर्किंग टू का रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। और भाई पर्चे में डायरेक्ट हो सकता था बोलो, ये वाली कैलकुलेशन यहाँ ब्रैकेट में शो कर देते आंसर आ जाता 9984, फिर ये वाली कैलकुलेशन यहाँ ब्रैकेट में शो कर देते तो आंसर आ जाता 1533, ठीक है ना। तो कर सकते थे ऐसे 9984 1533 2 या 8, फैसला कर लो यार आप। अच्छा भाई के कन्फ्यूज हो गए थे, ठीक है जी। ले सब्सक्रिप्शन इज ओवर, यही एडजस्टमेंट काम की थी, बाकी तो सब आसान आसान है, चलें आगे। चलो ऑल सेल ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब हर महीने की कैफेटेरिया है ना, बेवरेजेस कैफेटेरिया टाइप है, ठीक है। तो जो मेहमान आते रहते हैं उधर, ठीक है, हमारे क्लब के अंदर, वो खाता चलता रहता है, वो बोतलें बेचते रहते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि वो मेहमान आए हुए हैं हमारे इस कौन सा क्लब, सी वी यू क्लब पे, हम सी वी यू को देख रहे हैं साथ, हमारे मेहमान आए हैं, मीटिंग चल रही है, बोतल मंगवाई, कह रहे हैं भाई जन पैसे दे दो, तो वो हमारा खाता चलता रहता है, ठीक है जी, मेंबर्स का। और हर मंथ के एंड पे महीने का हिसाब करके उससे अगले दिन सेल ऑफ बेवरेजेस बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगर आप जनवरी के अंदर की जो होगी सेल वो उसका बिल फरवरी में आएगा, है ना, जनवरी में सेल ही नहीं है, खुदा का खौफ करो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो रोको मुझे, ठीक है। हाँ स्टार्ट ही फरवरी में हुआ, ठीक है, तो नहीं जी, तो फरवरी के अंदर जो सेल ऑफ बेवरेज हुई होगी वो मार्च के पहले हफ्ते में बिल बनेगी, फिर मार्च वाली अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में, नवंबर वाली दिसंबर में, और दिसंबर वाली सेल्स का बिल जनवरी में आया होगा। अब बिल जाएगा तो पेमेंट होगी ना मेंबर को, जब बिल ही नहीं जाएगा तो उसकी पेमेंट तो नहीं हो सकती। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 1500 रुपया ये पूरे 11 महीने का, एक महीने का इसमें नहीं है, 10 महीनों का है, एक महीना तो सवाल में सिरे से था ही नहीं, जनवरी तो था ही नहीं, अब हमारा साल बच गया 11 महीनों का, 11 महीनों में से दिसंबर वाला जो सेल बेवरेज की सेल है उसका बिल जनवरी में जाएगा, तो जनवरी में पैसे आएंगे, ये रिसीट पेमेंट 31 दिसंबर तक का है, तो 31 दिसंबर तक वाले रिसीट पेमेंट के अंदर तो फिर कौन कौन से महीने, फरवरी वाले पैसे पड़े होंगे जो मार्च में मिले होंगे, मार्च वाले पैसे पड़े होंगे जो अप्रैल में करते करते, नवंबर वाले पैसे मिले होंगे जो दिसंबर में पड़े, जो दिसंबर में मिल गए, ठीक है, पड़े होंगे इसमें, लेकिन दिसंबर वाले पैसे इसके अंदर शामिल नहीं, ठीक है। चले आगे, वो कहता है एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ, हाँ फिर जब बिल आ जाता है, पूरी बात मैंने लिखी है, जब बिल आ जाता है तो फिर उसी वक्त किसी ने ऐसे तो कंफ्यूज नहीं किया कि फरवरी का बिल मार्च में जाता है लेकिन उसने आगे लिखा और पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ लेकिन उसके पैसे फरवरी में ही आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं कंफ्यूज किया, भाई नॉर्मल सोचा करो, बिल जाएगा तो पेमेंट आएगी ना, उसको क्या पता कि पहले पैसे देते वो बाद में आप बिल भेज देते हो, ऐसा नहीं होता। बारह वो कहानी कुछ ऐसे कर रहा था कि जिस महीने का बिल होता है वो उससे अगले महीने में जनरेट होता है और फिर
अब पहले वीक में जब जनरेट होकर जाता है उसी महीने के अंदर, जब जनरेट हुआ उसी महीने के अंदर पैसे आ जाते, ठीक है ना। तो ऑल सेल ऑफ बैटरीज आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ, यानी कि जिसमें बिल जनरेट हुआ उसकी बात कंटिन्यूटी में चल रही है। सेल ऑफ बैटरीज ड्यूरिंग ईयर अमाउंटेड टू 150। अच्छा जी, वो सेल ऑफ बैटरीज है, ये भी सेल ऑफ बैटरीज है, ये कौन सी है? अरे तो डेटर का लेजर भी आज बनेगा, सुभान अल्लाह। पहला सवाल जिसमें डेटर का लेजर आया हमारे पास, ट्रेडिंग एक्टिविटीज बना लो, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर लेते लेकिन बना लो, कोई नहीं डायरेक्ट ही किया लेकिन पहली बार तो आया यार, अच्छा भी नहीं लग रहा, ठीक है इसको थोड़ी सी इज्जत दे दो। डेटर बेवरेजेस ओपनिंग बता दो बस मुझे। अच्छा, उसके बाद पता है आपको सेल्स आती है, कैश आता है इसके अंदर, और क्लोजिंग आता होता है, ठीक है, अनलेस के सवाल को अब नॉर्मेलिटी बता दे, ठीक है। अब रिसीट एंड पेमेंट में 1500 रिसीव हुआ है, ठीक है, तो एंट्री और भाई इवनली पड़े, ये थोड़े सोचेंगे कि 1500 डिवाइड बाय 10 कर दें। सेल्स नॉर्मली सर, हाँ कोई और चीज होती है जैसे यूटिलिटी का बिल है, जैसे रेंट है, इस किस्म की चीजें तो हो सकती हैं, सेम सेम, ठीक है ना, कि आपने यूटिलिटी बिल क्या मतलब, आपने को जनटोली स्टाफ रखा उसकी तनख्वाहें हैं, ये भी एक बिल है, ठीक है, आप रेंट पे प्रेमिसेस ली हुई है उसका बिल है, ये तो हर मंथ सेम हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये सेल ऑफ बेवरेजेस ऐसी चीज नहीं है कि ये हर महीने सेम हो, अनलेस के सवाल खुद कह देता, सवाल कहता कि सेल्स अगर इवनली थ्रू आउट द ईयर तो फिर हम डिवाइड बाय 10 करके यहां से भी एक महीने की सेल निकाल सकते थे, शायद वैसे हुआ ऐसा ही है उसने, लेकिन बोला नहीं है उसने, तो हमने खुद से ऐसा कुछ नहीं सोचना, उसने हमें दिसंबर की सेल बता दी है कितनी है, और दिसंबर की सेल के पैसे हमें रिसीव नहीं हुए होंगे, तो क्लोजिंग में 150 क्या होगा रिसीव में, सॉरी मैं ये पढ़ा रहा, ये लेके आ रहा था, ये रिसीट पेमेंट 1500 से डेबिट और रिसीट पेमेंट लिख लो ना, वैसे कैश भी लिख लो अपने लिए, कितना 1500, ठीक है जी। और साथ ही उसने ये बताया कि सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग 15 अमाउंटेड टू 150, तो वो मैंने क्लोजिंग, क्योंकि दिसंबर वाली सेल जो है उसके पैसे दिसंबर में तो आने नहीं, तो क्लोजिंग में फिर वो रिसीवेबल था, ठीक है जी। तो अब सब कुछ हो गया, बैलेंसिंग फिगर सेल में 1650, ठीक है, तो ये लेजर सर कंफर्टेबल हो गया, वरना डायरेक्ट भी हो सकता, ठीक है। अब ये सेल ले जाओ इनकम्स में, ट्रेडिंग एक्टिविटी कितना 1650, अब वर्किंग थ्री का रेफरेंस दे देते, ठीक है जी, सही हो गया। लेकिन अब चूंकि ये लेजर आपने बैलेंस कर दिया है, तो इस क्लोजिंग को भी ले जाओ, ये ना भूल जाओ बाद में, डेटर बेवरेजेस इनकम जी, इनकम लगी है, कंप्लीट हो गया ये भी, सॉरी ये भी बैलेंस कर दिया था, सब्सक्रिप्शन इनकम भी ले दोगे भाई, कह रहे सब्सक्रिप्शन इनकम भी लिखे, वर्किंग नंबर 2.1 में निकाली है मैंने, कितनी है जी, खजल ना करो एग्जामिनर को, पहले को वर्किंग 2 में जाओ, वर्किंग 2 में जाकर देखे यहाँ पे, अब वर्किंग 2.1 में जाओ डायरेक्टली, वर्किंग 2.1 में भेज दो, ठीक है। अच्छा जी, डेटर्स भी हो गए, सेल भी हो गई, नेक्स्ट परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बेवरेजेस अमाउंटेड टू 1760। हम ना वैसे परचेज पे अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ना आपकी बचत की हुई है यहाँ पे, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग लिखे और कॉस्ट ऑफ सेल निकाले, उसके बजाय स्टॉक का अकाउंट ही बना लेते हैं, ठीक है ना, तो वहीं से ही कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है हमारी, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ परचेज वहीं पर आ जाता है। तो स्टॉक ऑफ बेवरेजेस का लेजर बना लेते हैं, ठीक है, ओपनिंग बस मुझे बता दो। अच्छा, अब परचेज हो तो परचेजेस डेबिट नहीं करते, बल्कि आजकल स्टॉक का अकाउंट बन रहा होता है, हम स्टॉक में डेबिट कर देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है परचेजेस जो है वो 1760 की थी, और टोटल परचेजेस का कुछ जो है वो अनसोल्ड है, ये भी स्टॉक ही बताया था, ठीक है। तो परचेजेस की एंट्री कर दो, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, परचेजेस डेबिट स्टॉक में कितना, और क्रेडिटर मैंने क्यों बोला, उसकी वजह यह थी कि सवाल पढ़ते हुए मेरी नजर पड़ी थी पेमेंट ऑफ परचेज 1367 हो रही है, परचेज 1760 कर रहे हो, पेमेंट कम हो रही है, तो क्रेडिटर होगा ना कुछ ना कुछ, तो बहरहाल अगर किसी ने कैश लिख भी दिया तो बाद में कैश देखेगा तो इतना बन नहीं रहा होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ वैसे भी सवाल खामोश, तो हम क्रेडिट अज्यूम करते थे ना, वैसे चलते जाओ। तो स्टॉक डेबिट और साथ ही क्रेडिटर का अकाउंट ओपन कर लो, क्रेडिट कर लो जी, तो स्टॉक डेबिट ओपनिंग बता दो यार पहले, अच्छा सॉरी जी, स्टॉक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, यहाँ पे जो परचेज लिख के काटा करते थे याद है, स्टॉक और क्रेडिटर। अब वो कह रहा है कि 25% इस परचेज का अनसोल्ड है, यानी क्लोजिंग में स्टॉक 440, मैं तो कर रहा हूँ इसको भी खत्म कर, बाकी चीजें फिर नॉर्मल आ गई, तो ये 1320 कॉस्ट ऑफ सेल है,
ये 1320 इधर ले जाओ, वर्किंग नंबर और स्टॉक ऑफ एवरेजेस कितना जी? ठीक है जीपी 330। अच्छा भाई जीपी 330, लेकिन अभी लेके नहीं जा रहा उधर, हो सकता है और एक्सपेंस ना आ जाए, अभी पढ़ा नहीं मैंने। ठीक है जी चलो, तो ये स्टॉक ऑफ बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल भी चलेगी और क्लोजिंग भी चला गया। अब क्रेडिटर की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब स्टॉक ऑफ बेवरेजेस, ये बेवरेजेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात आए तो आपने ये 1500 भी पढ़ लेना है, ठीक है, और इसके साथ में नंबर लिख नहीं सका था 2 and 3, इसको भी साथ ही पढ़ लेना है। तो भाई इसकी एंट्री भी कर दो ना, ये पेमेंट फॉर परचेज लिखता रहे हमने तो हमेशा इसको पेमेंट टू द क्रेडिटर्स ही कहना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये मैंने कह दिया था आपको, ठीक है। तो क्रेडिटर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट कितने से? 1367। रिसीट पेमेंट वही कैश ही है यार जी, 1367, लेकिन रिसीट पेमेंट ही लिखो, पता नहीं कैश है बैंक है। आपको समझाने के लिए मैंने ये कैश लिख दिया यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ताकि आपको वो याद रहे क्रेडिटर की लेजर में जब कैश आता है, ठीक है जी। अब आगे तो कहानी डिफरेंट शुरू हो जानी है, तो फिर ये तो खत्म हो गया ना, क्लोजिंग निकल सकता है बैलेंस कितना 393, ठीक है जी। अब इस पूरे लाइब्रेर से सिर्फ यही चीज हमें चाहिए, क्योंकि ये तो पहले ही हम लिख चुके थे सवाल में ये बनता, तो करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स ऑफ बेवरेजेस आ जाएंगे 390, वर्किंग 5 में 390, ये भी डायरेक्ट हो सकता था, तो जो लगे ना इजीली के डायरेक्ट कर सकते हो कर लिया करो, टाइम बचा लिया करो। मैं तो जरा एलेबोरेट कर करके चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। हाँ भाई डन, हमारा डेबिट साइड सारी हमारी ओवर हो गई है, और क्रेडिट में भी हमने 1367 को देख लिया, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इधर 1730 से शुरू हो जाते हैं जी। फर्नीचर एंड फिक्सचर है और वैन है, ये दोनों खरीदे, क्या ख्याल है? खरीदे है ना, तो फर्नीचर है फिक्सर का अकाउंट है और वैन का अकाउंट। मैं तो कहता हूँ बुक वैल्यू पे बना लेते हैं, वक्त और एफर्ट बच जाएगी। कैश फ्लो के अंदर तो जहां मुमकिन हो हम अलग अलग ही रखते हैं इनको, याद है ना, डेडिशन निकालने के लिए बैलेंस निकलती थी अलग, लेकिन यहाँ पे खैर अगर आसान हो तो बुक वैल्यू पे बनाओ, क्योंकि हमसे उसने कौन सा ये लेजर बनवाया अलग अलग, और वैसे भी आपको पता है बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू नहीं आना होता है, ठीक है। ओपनिंग बस मुझे टेंशन है नहीं पता, अच्छा ओपनिंग की कोई टेंशन नहीं है आज, ठीक है। एडिशन हुए हैं 2000, फर्नीचर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट और वैन डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, तो 1200 और 1500, 1200 रिसीट पेमेंट एडिशन और 1500 ये भी रिसीट पेमेंट, ये भी क्या है एडिशन, ठीक हो गया जी। अब इनके साथ पॉइंट नंबर 10 को पढ़ना है, चलो पॉइंट 10 में कहता है फर्नीचर फिक्सचर्स एंड वैन वर परचेज ऑन यकम फरवरी 15। अगर ना भी कहता तो हम यही अज्यूम करते, साल का पहला दिन तो अज्यूम ही ना कर सकते थे, साल के पहले दिन तो हम थे ही नहीं, बार वो कह रहा है यकम फरवरी को ही हमने परचेज किया इनको, और डेप्रिसिएशन इन दोनों पर चार्ज करनी है 10% और 20%। तो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जी फर्नीचर का जी, 1200 का फर्नीचर खरीदा, 10% 11/12, 110 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और फर्नीचर 110 से क्रेडिट, ठीक है। 1500 ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है वैन का, 1500 इंटू 10% इंटू 20% इंटू 11/12, 275 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और वैन क्रेडिट, चलो जल्दी से क्लोजिंग निकाल दो, 1020 1025 1025 1025 1025 और 1007 6 और 7 ओके। अब जी पॉइंट नंबर 4 से कहानी शुरू करते हैं, पॉइंट 4 में सैलरीज हैं, नीचे एडजस्टमेंट वगैरह आ रही है, तो ऐसा करते हैं जी सैलरीज का लेजर तो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 सैलरीज, और
चलो पढ़ लेते हैं साथ ही. सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. वही कहानी ठीक है. यानी 10 महीनों की सैलरी इस साल में पे हुई होगी क्योंकि एक महीना था नहीं. और अच्छा अगर यकम जनवरी से इन्होंने स्टार्ट किया होता अपने ऑपरेशंस को तो 11 की होती. और अगर पहले से चला आ रहा होता बिजनेस तो फिर 12 की 12 होती. ठीक है. अच्छा आगे कहते हैं द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड एन एडवांस अमाउंटिंग टू 10 पेड टू एन एम्प्लॉई ऑन यकम दिसंबर 15. मैं इसकी एंट्री डायरेक्ट करने नहीं गया, मैं यहाँ पे रुक गया. ठीक है. जब भी कभी किसी खर्चे में इंक्लूड कर दे कोई और चीज, ठीक है, तो याद रखना ट्री बना लेना. क्या करना जी? दांत बना लेना, दो शाखे लगा लेना, एक कुल्लू बिठा लेना, एंट्री अलग कर लेना. ये काम बहुत एक्सटेंसिवली किया करते थे कैश फ्लो के अंदर, उसमें सिंगल एंट्री के टॉपिक में, लेकिन अब वो तो रहा नहीं, वो तो मालिक का किस्सा हो गया. ठीक है. पहली बार ये एडजस्टमेंट आई तो इसको मैं ऐसे ही आपको करवाना चाह रहा हूँ. ठीक है. जैसे उसने कह दिया सैलरीज इंक्लूड, तो सैलरीज को लिख लो. टोटल कितनी है ऊपर? 1000. इंक्लूड कह दिया ना उसने, आगे से 1000 को पकड़ लो और ट्री बनाओ, दो शाखे लगाओ. ठीक है. अब उसमें कह रहा है कुछ तो है, वो एडवांस है. अब देखें एडवांस एसेट होता है, एक्सपेंस नहीं है. क्या मतलब? वो कह रहा है जी कि 1000 में इंक्लूड है एडवांस, ये सॉरी हाँ 10 का एडवांस इंक्लूड है. ठीक है. जो कि एम्प्लॉय को यकम दिसंबर को दिया है और वो एडवांस वापस करेगा एम्प्लॉय यकम फरवरी को. अच्छा अब वो यकम फरवरी को पैसे वापस करे या हमें इसके अगेंस्ट सर्विसेज दे दे, इन एनी केस ये रिसीवेबल है. रिसीवेबल इन फॉर्म ऑफ कैश हो या रिसीवेबल इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज हो, है ये रिसीवेबल, है ये एसेट. इसको अगर हम छोड़ दें और पूरा 1000 सैलरीज एक्सपेंस में डेबिट कर दें तो ये 10 भी उसके अंदर एक्सपेंस आउट हो जाएगा. इसलिए इस एडवांस की अलग एंट्री करो. एडवांस जो है वो 10 रुपए का है ना जी. ठीक है. तो 10 के एडवांस की एंट्री करोगे आप, एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू एम्प्लॉय, स्टाफ ही कह दो, ये एसेट होता है, करंट एसेट होता है. ठीक है ना. क्योंकि इसके अगेंस्ट फ्यूचर में ये राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर है या राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर भी हो सकता है. अगर एम्प्लॉय ने कहा मुझे पैसे दे दे, मैं वापस पैसे कर दूंगा, पैसे आ जाएंगे फ्यूचर में. या एम्प्लॉय कहते मुझे अगले 2 महीनों की तनख्वाह एडवांस में दे दो, तो 2 महीने वो सर्विसेज देता रहेगा. इन एनी केस ये एसेट है. तो एडवांस टू स्टाफ डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट 10 रुपए से. ठीक है. और रिमेनिंग क्या है फिर? सैलरीज है. ठीक है जी. वो सैलरीज कितनी है? ये 990 कैसे निकला भाई? बैलेंसिंग निकाल लिया आपने, 1000 में से 10 लिया. अब ये सैलरीज की एंट्री क्या है जी? ये सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट. ठीक है. अब ये जो 990 है ना, ये इकट्ठा हुआ पड़ा ऑलरेडी और 10, यानी कि 1000 की एंट्री यहाँ पर हुई पड़ी है. ये बेसिकली ऐसे एंट्री हुई पड़ी है, 990 हमने अलग कर लिया और 10 अलग कर लिया. ठीक है. पहले 10 लिखा है, 10 और फिर 990. अब ये दोनों एंट्रीज हमने अलग अलग करनी है और यहाँ से इसको टिक कर लेना है. तो आपने बुक के ऊपर ऐसे 1000 को दो शाखे लगा के ना 10 और 990 में कर लेना, ऐसे थोड़ी करने बैठ जाना है तरसे में. आसान काम कर ले, दो इससे कर ले. अब दोनों की अलग अलग एंट्री करनी है. सबसे पहले एडवांस टू स्टाफ या एम्प्लॉय जो भी लिख लो, एडवांस टू स्टाफ. इधर देखो 10 डेबिट, सब देखो इधर 10 डेबिट, एडवांस टू स्टाफ डेबिट करंट एसेट्स में और रिसीट पेमेंट क्रेडिट. ठीक हो गया. बाकी बात क्या? 990 की एंट्री सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट का अकाउंट क्रेडिट. ठीक हो गया. सही है. ओपनिंग में तो ना कोई एडवांस है. अच्छा एडवांस छोड़ो, मैंने वैसे ही अलग कर दिया. ठीक है. सॉल्यूशन में शायद ना इसी लेजर के अंदर ही सैलरीज में वो डेबिट एसेट साइड पर, छोड़ो उसको, अलग कर दिया हमने. ये ज्यादा अच्छा तरीका है. ओपनिंग जीरो. अब सैलरी वो कह रहा है हर महीने खत्म सैलरी के एडजस्टमेंट इधर से. अब यहां पर उसने ये कहा था कि सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. जनवरी की तो होनी नहीं थी, फरवरी वाली मार्च में, मार्च वाली अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में, नवंबर वाली दिसंबर में, दिसंबर वाली, तो इसका मतलब अभी वो रिसीव सॉरी पे नहीं हुई, तो क्लोजिंग में एक सैलरी में पेएबल है. ठीक है जी. अब जो 990 है ये कितने महीनों की है? 10 की. कैसे पता लगा? कैसे कैसे कैसे? पहला साल है तो जनवरी तो था नहीं, फरवरी से काम शुरू हुआ और हर महीने के अगले महीने में रिसीव पे करते हैं सैलरी, तो दिसंबर वाली पे हुई नहीं, तो फिर एक महीना वैसे निकल गया था, एक महीना अभी पे नहीं हुआ, तो फिर ये 990 जो रिसीव पेमेंट अंदर आ रहा है ये 10 माह की सैलरी है, एक माह की 99 बनती है जो पेबल. ठीक है जी. सैलरी एक्सपेंस कितना बन गया जो बैलेंसिंग आएगा? 1089. अब सवाल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें से कुछ हिस्सा ट्रेडिंग में और कुछ उधर है, तो सारे का सारा ले जाओ इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर. 1089 सैलरीज एक्सपेंस. वर्किंग नंबर बता दो. 8 वर्किंग 8 1089. ठीक है जी. और क्लोजिंग में सैलरीज पेएबल 99 नजर आ रही.
ठीक हो गया जी, डन। नेक्स्ट, उसके बाद है जी रेंट। रेंट कितना नजर आ रहा है जी रिसीट पेमेंट में? 3600 का। वो कहता है रेंट फॉर 3 years वाज पेड इन। चलो जी, रेंट का लेजर तो बनाए थे। रेंट एक्सपेंस ओपनिंग में कुछ भी नहीं था, प्री पेड ना पेएबल। अब जो 3600 नजर आ रहा है पहले उसकी एंट्री करवाओ। एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कैश या बैंक क्रेडिट रिसीट पेमेंट है 3600। अब वो कह रहा है जनाब कि हमने अगले 3 साल का ये पे किस दिन किया है? यकम फरवरी को। और अगले 3 साल का किराया एडवांस पे पे कर दिया। अब ये यहां यकम फरवरी पे पे कर रहे हैं। 3600 का मतलब 36 महीनों का कर लो, 12 + 36 कर लो, पर मंथ कितना है? यानी उन्होंने 3600 आज दिया है और ये 36 मंथ्स का है, 36 मंथ्स का, तो 100 आता है। 100 रुपीज 100 पर मंथ कराया है सब, लेकिन देर ले 3 साल का एडवांस ही दिया, ठीक है। अब हमारे इस साल के अंदर 11 महीने इनकम में जाने हैं, बाकी सारे का सारा प्रीपेड है, जो पहले आसानी कर दे, ठीक है। अब देखो ना, क्लोजिंग में प्रीपेड निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग रहा है। आसान क्या लग रहा है? रेंट एक्सपेंस निकाल लो, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में बोला ना, रेंट एक्सपेंस के बारे में भी ऐसा ही है। अगर रेंट की अमाउंट दे दे और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी दे दे तो हम रेंट एक्सपेंस पहले निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग निकालना मुश्किल था, एक्सपेंस निकालना आसान था, तो पहले मैं एक्सपेंस निकाल लेता हूँ। रेंट एक्सपेंस अभी देखो, हर महीने का किराया 100 है और कितने महीने हमने ये बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली? 12 ना कह देना, हमने तो ये बिजनेस यहाँ पे क्लब ही 11 महीने रखा है इस साल के अंदर, यानी यकम फरवरी को ओपन हुआ था, 12 महीने तो थे ही नहीं इसके, तो कितना आ गया? अब बाकी 2500, ये 2500 क्लोजिंग में प्रीपेड है, लेकिन इसमें फिर वही लाल वाला मसला है, इसमें से कुछ करंट है कुछ नॉन है। अगेन करंट निकालना है तो आसान है, पहले वो निकाल दिया करो, फिर बकाया बैलेंसिंग नॉन करंट। तो बेटा एडवांस नहीं, करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट करना, वो भी करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं करंट, करंट पोर्शन एसेट गया, करंट एसेट में जाएगा, ठीक है। ये निकालना अगेन आसान है, क्यों? 100 रुपए पर मंथ है, तो अगले 12 महीनों के अंदर, हाँ जी, तो 12 महीनों का 100 रुपया 1200 बन गया, ये 1200 करंट पोर्शन में आ गया, और बाकी नॉन करंट कितना बनेगा जी? वो आप कहोगे जी 2500 में से माइनस कर दें 1200, तो आ गया, लो कहानी खत्म। ये सारा कुछ ब्रैकेट में कर सकते थे, लेकिन मैंने जरा उसी तरह से बता दिया आपको। अब सबसे पहले ले आओ रेंट एक्सपेंस, वर्किंग कौन सी है? रेंट एक्सपेंस वही पे ही निकाला हुआ है, 1100, वो जो ब्रैकेट में काम किया है यहाँ पे कर सकते हैं। चलो, अब क्लोजिंग में रेंट आ गया प्रीपेड एडवांस, तो प्रीपेड रेंट कुछ करंट पोर्शन इधर देख लू माजरत के साथ, प्रीपेड रेंट है उसी वर्किंग का रेफरेंस दे दो, और इधर देखो प्रीपेड रेंट है, यानी है तो हमारा एसेट ही, लेकिन हमने तोड़ कर लिख लिया। करंट में कितना? 1200, और नॉन करंट में 1300, ठीक है, और सही है। अच्छा देखो, ये काम ब्रैकेट में कर सकते थे, मैं ये बता रहा था पहले भी सब्सक्रिप्शन केस में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 100 × 12, और यहाँ पे टोटल में से 1200 माइनस कर देते तब भी आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है जी? यूटिलिटीज को कर लो, चलो पेमेंट ऑफ यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी, इंक्लूड फिर आ गया, इंक्लूड इंक्लूड आ गया, तो आपको पता है आपने दरख्त बनाना है, 2 शाखें लगानी है, एक एक उल्लू बिठाना है, फिर आपने कहना है हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, और यूटिलिटीज मुझे बता देंगे। यूटिलिटीज टोटल कितनी है ऊपर? 570। इनके बारे में कह रहा है कि इसमें भी कुछ शामिल है, और क्या है जरा पढ़ लेते हैं। कहता है पहले पेमेंट ऑफ यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू यूटिलिटी कंपनीज अमाउंटिंग टू 20। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो एक एसेट है जो रिफंड होना है, एक्सपेंस नहीं है। अगर आपने इसको यहीं पढ़ा दिया तो एक्सपेंस बन जाएगा, तो इसका मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम अलग कर लेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है भाई? 20। इस 20 की एंट्री होगी, बोलो बोलो बोलो, सिक्योर डिपॉजिट डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट 20 से, और रिमेनिंग फिर यूटिलिटीज एक्सपेंस है, यूटिलिटीज, ठीक है जी, यूटिलिटीज एक्सपेंस 550 में जाएगा। इसकी एंट्री आप करोगे यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। अब ये जो है ना, ये क्रेडिट हुआ पड़ा ऑलरेडी,
लेकिन आप रिसीट पेमेंट पे अगेन दो शाखे लगा लेंगे वहीं पर ही फिगर को और टिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन करंट होता है, नॉर्मली सवाल खामोश हो तो ये नॉन करंट होता है, ठीक है। 1225 ये खुले खुले तुझे लिखे हो, ठीक है, चक्कर की लड़ाई है कभी। वैन वर्किंग सेवन, अच्छा जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट सवाल खामोश हो, नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही होता है। आपने वावड़ा से मीटर लगवा दिया, जब मीटर वापस करोगे तो पैसे मिलेंगे, नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई जरूरत नहीं है कोई वर्किंग करने की, डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री की होगी आपने। 20 से सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट रिसीट पेमेंट में दो शाखे लगाई है ना, 20 और बाकी वो क्रेडिट, टिक कर दिया आपने। और ऐसे यार यूटिलिटीज में उन्होंने कहा जी इस 570 में 20 भी है और 550 भी है, तो 20 की एंट्री अब आप कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ये बाकी 550 की एंट्री मेंटेनेंस के अकाउंट में कर दो, नंबर 10 मेंटेनेंस और यूटिलिटीज के अकाउंट। वो भूल गए ना, वो भूल गए, उन्होंने बिजली के बिल वाले अकाउंट में ही मीटर जो मीटर के लिए डिपॉजिट जमा करवाया था वो भी डाल दिया हुआ, ऐसे ही भूल गए होंगे। आपने सही कर दिया, कोई मसला नहीं जी। ओपनिंग तो कुछ नहीं, ठीक है, न पेएबल न प्रीपेड। अच्छा, अब जो 500 कितना है, 50 है, उसकी एंट्री बनी यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट और रिसीव पेमेंट क्रेडिट, ठीक हो गया। ये तो कहानियां यहां तक तो खत्म हो गई, अब आगे कहता है क्या कहता है, कहता है ये पॉइंट 6 छोड़ गए हैं हम, अच्छा कहता है यूटिलिटी बिल्स आर पेड ऑन द 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है दिसंबर वाले बिल अभी पे नहीं हुए, वो पेबल होंगे। अब वो निकाले कैसे, ये 550 जो है ये 10 महीनों का यूटिलिटी, ठीक है। सवाल खामोश है तो हमें मजबूरन इसी को ही कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर बराबर बिल है। तो 550 बटा 10 इंटू 8 55 आ गया, तो एक्सपेंस की फिगर 605। रिपीटेशन शुरू होगी ऐसे ही ना, यूटिलिटीज एक्सपेंस वर्किंग 10 से आया कितना 605, और यूटिलिटीज पेएबल कितना 55। ये वर्किंग 10 ही सवाल में क्यों करना चाहो, कर दो वर्किंग 5, वर्किंग 5 में निकाला बल्कि आपने, ठीक है, वर्किंग 5 रेफर कर दो। ये आपने कैलकुलेशन की, आपने किया 10 वट एवर सैलरी के लिए भी आपने किया था काम वर्किंग 8 में, ठीक है भाई, ठीक है, माजरत ख्वाह है हम। नेक्स्ट है जी, इंश्योरेंस वॉज पेड ऑन 1 फरवरी कवरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है जी, 1 फरवरी को पे किया तो सिर्फ 1 महीना प्री पेड होना है, ठीक है। नंबर 11 इंश्योरेंस, ये ना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा सवाल है, आप कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लो जो रहते हैं आज जो नहीं होते नजर आ रहे कल हो जाएंगे, जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे तो फिर किसी हद तक मेरी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है ना। माना ये आसान लग रहा था आपको जी। इंश्योरेंस 120 है, सवाल में ओपनिंग तो कुछ था रहे, 120 की एंट्री हो गई इंश्योरेंस डेबिट रिसीव पेमेंट क्रेडिट। अब 1 फरवरी 12 तक इसने जाना है, ठीक है, सॉरी 16 तक, 1 फरवरी कवरिंग पीरियड ऑफ अप टू, देखो मुझे लगा 1 फरवरी कह, मैं पढ़ लेता हूँ, अच्छा पेड ऑन 1 फरवरी पढ़ा है, लिखा हुआ था ना कहीं, हाँ 1 फरवरी 15 को पे किया उन्होंने और ये कवर कर रहा है 12 महीने का पीरियड ये प्रीमियम, तो इसका मतलब अगले साल भी 1 महीना इसमें कवर्ड है, तो क्लोजिंग डेट वो क्या आ गया, अब ये सालाना है कवरिंग का पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो इसको डिवाइड बाय 12 भी करना, ठीक है, ये 10 का नहीं है, 10 साल का नहीं, 10 महीनों का ये एक्सपेंस नहीं, उन्होंने कहा ये एक्सपेंस 12 महीनों को कवर कर रहा है, जिसमें से 11 महीने हमारे साल में कवर हो जाएंगे, 1 महीना प्रीपेड है, 12 आ गया तो बहुत तंग हो गया, थोड़ा नीचे कर, अच्छा 10 कर ले, तो मैंने इसलिए बताया जी 10, तो एक्सपेंस कितना आ गया 100, सादा सी बात है, अगर 10 रुपए एक का एक्सपेंस है तो 11 महीनों का 110। इंश्योरेंस एक्सपेंस वर्किंग नंबर 110 और प्री पेड इंश्योरेंस 10 11 लेंथी है क्वेश्चन बस। अच्छा जी, अब रिपेयर रह गया, इंक्लूड वाले होना मुझे लग रहा है इसमें भी, चलो रिपेयर को भड़का दो, 0.10 तो हुआ पड़ा है बस, फिर सिर्फ 0.6 रह जाएगा। हाँ जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड, अरे इंक्लूड ने बड़ा तंग किया हुआ है, ये इंक्लूड आ जाए ना,
तो आपका क्या काम? बोलो बोलो बोलो। ना शाख नहीं बनानी, दरख्त बनाना है, उस पर शाखें लगानी है। जी क्लियर है? मेंटेनेंस कितना है भाई? रिपेयर मेंटेनेंस है कितना? 270। उल्लू ही बन गए। 275 में कोई गड़बड़ है तो ये दरख्त लगाएं, दो शाखें लगाएं कि कुल्लू कटाएं, क्या कहता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड एडवांस ऑफ 100 पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आ पार्किंग शेड। ये अब हमने एडवांस दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को, ये हमारा एसेट है। रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस है ना, जाने दो इसको, ये एसेट है, ठीक है? तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर कितना है? 100 का। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी एंट्री होनी चाहिए एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, करंट एसेट नंबर आएगा डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट 100 से। हाँ, बाकी आप ले जाओ रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, इसकी एंट्री आप कर लो। ये बैलेंसिंग, बैलेंसिंग इस चार पे बैलेंसिंग उल्लू बिठाना, ठीक है? 175। इस 175 होगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। काफी दफा ये काम हो गया, पक्का हो गया। ये बेसिकली ना इस इंक्लूड वाली एडजस्टमेंट के लिए मेरा दिल था, ये सवाल लाजमी हो, ठीक है? क्योंकि अब ये कहीं पे भी हो जाए, बाकी बस है क्या क्या बेटा, बाकी हम कर लेंगे। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट टोटल बस आपने कर लेना, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कितने से? 100 से। वो शीट पेमेंट के अंदर दो शाखें आप बना लेना, ठीक है? और 175 जो है वो रिपेयर है मेंटेनेंस एक्सपेंस। जी ओपनिंग कुछ था नहीं, रिसीट पेमेंट आ गया जी, रिसीट पेमेंट से आ गया 175। रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट रिसीव पेमेंट क्रेडिट 175, ठीक हो गया? अब वो कहता है रिपेयर बिल्स अमाउंटिंग टू 7 वर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, क्लोजिंग डेट पर 7 रुपए का पेबल है, तो फिर रिपेयर एक्सपेंस कितना बना? 182। एक्सपेंसेस में ले जाओ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 12 कितना? 182। और क्लोजिंग लायबिलिटीज में यहां पर लिख दूं रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेबल कितना? 7। वर्किंग 12 नहीं, ये तो सवाल में एक्सप्रेसली गिवन था, ठीक हो गया जी? अब बस एक एडजस्टमेंट रह गई है, वो है 6, पता नहीं ये क्यों छोड़ दी थी। प्रेजेंटली क्लब इज ऑपरेटिंग ऑन अ रेंटल प्लेस रेंटल प्रेमिसेस, however a plot of land has been purchased on which construction would commence shortly, title of land would be transferred after completion of legal formalities. to yaar ye abhi advance hi diya humne, kaun sa plot liya hai yahan pe, advance for plot aa raha hai ye 65000 1000 mein likha hua hai, 65000 ka advance hai, abhi advance hi kaho isko, abhi aap land na kaho kyunki legal ship keh raha hu, legal ownership transfer hogi to fir, theek hai ji? to entry kya bani? acha नॉन करंट होगा ना ये तो, पर शॉर्टली अभी बस 2-4 दिन 10 दिन के अंदर, किसी भी वक्त अगले महीने के अंदर वो नाम होते ही हमने इसको लैंड डेबिट कर लेना है, ठीक है ना? तो फिर ये करंट एसेट्स में लिखो एडवांस फॉर प्लॉट जी 65000। सही हो गया जी? कुछ चीज रह तो नहीं कि रिसीट पेमेंट में चेक करो, क्लोजिंग रह गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे लिख रहा हूँ रिसीट पेमेंट की बजाय ना कैश एंड बैंक लिख लिया करो। अच्छा रिसीट एंड पेमेंट लिखने में कोई मसला नहीं है जी, 27620 ओपनिंग को था नहीं कि यहाँ पे लिखते, बल्कि यहाँ पे फंड आज गिवन था। और जी हाँ ये बस कहानी खत्म, इसकी भी कहानी खत्म, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बेवरेज लिख लो, ट्रेडिंग एक्टिविटी लिख लो, वर्किंग वन कितना? 3। कुछ रह तो नहीं गया, सारा रिसीट पेमेंट एक हो गया, सारे एडजस्टमेंट एक हो गए, हमने तो इस दफा साथ साथ लेजर्स को भी बैलेंस ही कर दिया, साथ साथ ही करते चले गए। ये भी एक अप्रोच हो सकती है अगर सवाल इतना आसान ही हो, ठीक है? कुछ ही रह तो नहीं गई। अच्छा आप देखो प्लीज ये कर लेना, सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा सुन लो, इधर लिख लेना, क्लोजिंग आ जाएगा, इनका टोटल इधर आ जाएगा, इनका टोटल इधर आ जाएगा, सवाल कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अब जरा क्विकली पास्ट नंबर 14 पे आप मुझे बताओ उसमें किस चीज में ज्यादा मसला है, मैं थोड़ा सा गाइड करूं ताकि वो आप आज कर सको। सारा नहीं है बेटा, आप लोगों ने बस वैसे ही कह देते हो भाई, आप लोगों ने इंट्रो पढ़ी हुई है। ट्रायल में पेड की फिगर आती है, ट्रायल में पेड की फिगर आती है, ठीक है? अगली बात
ट्रायल के अंदर इन्वेंट्री नजर आ रही है, ओपनिंग है, क्योंकि क्लोजिंग उसने अलग से बताई है, ठीक है, और परचेजे भी नजर आ रही हैं। तो वैसे तो परपेचुअल सिस्टम वाला काम बनता है, लेकिन आप पीरियोडिक वाला, लेकिन आप परपेचुअल की तरह से इन्वेंट्री का लेजर बना लो, कोई मसला नहीं है। आप ट्रायल से ओपनिंग उठाकर लिखो, परचेजेस को भी उसमें ऐड करो, क्लोजिंग को लिखकर बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। अब जरा ध्यान से सुनो, यह है हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल ने मेडिसिन खरीदी भी है पुराने साल, साल के शुरू में भी पड़ी थी, साल के एंड पे भी पड़ी है। अब बैलेंसिंग फिगर इन्वेंट्री के लिए जैसे कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है, लेकिन यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल ही निकालनी थी आपने, बल्कि मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालनी थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेडिसिन को हम बाहर बेचते नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर ही इस्तेमाल होती है। तो इस हॉस्पिटल का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनना था, उसमें एक्सपेंसिस के अंदर मेडिसिन कंज्यूम्ड आने थे, ठीक है, बात समझ गए हो, ये बात समझ आई है मेरी। तो वैसे तो इन्वेंट्री के लेजर के अंदर क्या होता है, इन्वेंट्री का लेजर जो बनता है, अभी आपके सामने बना भी हुआ है, उसके अंदर ओपनिंग आता है, फिर परचेजेस आती हैं क्रेडिटर या कैश से, फिर क्लोजिंग आता है, और हम कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल। सवाल ने एक्सप्रेसली बता दिया था, इधर देखो, मेडिसिन आर ओनली यूज 0.1 टू ट्रीट द एडमिटेड पेशेंट्स एंड आर नॉट सोल्ड सेपरेटली। जब सेल करते ही नहीं है तो ये तो फिर सेल ना, ये सेल होगी इसकी ना इसकी कॉस्ट ऑफ सेल है, ये तो हम अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, भाई जैसे कई सारे और खर्चे कर रहे होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर, वो नजर आ रहे होते हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं मुलाजमों को, रेंट पे कर रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं गोल्फ कोर्स की, ये ऐसे खर्चे हैं, मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं मरीजों के इलाज के लिए, ठीक है। तो यहां पे फिर कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय क्या आना था जी, कंज्यूम्ड मेडिसिन कंजम्पशन आनी थी। और जैसे जैसे स्टेशनरी का लेजर बनाता था मैं, और मैं कहता था ये एक्सपेंस क्या है, स्टेशनरी कंज्यूम, ये ऑफिस सप्लाईज में एक्सपेंस आता था, ये ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम, बिल्कुल वैसे ही ये क्या है जी, इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन के लेजर से ये मेडिसिन कंज्यूम्ड निकल आई, तो ये आपके इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंसिस में ये नजर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट थिंग इज हॉस्पिटल सप्लाईज। हॉस्पिटल सप्लाईज किसे कहते हैं, और यार मेडिसिन के अलावा भी 100 तरह की चीजें होती हैं, वो बेड के ऊपर चादरें हुई, तकिए हुए, कोई यूटेंसिल्स हुए, और ठीक है जी वो जो आलाजात होते हैं डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के अंदर, ये सब के सब हॉस्पिटल सप्लाईज के अंदर आ जाते हैं। जैसे ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस की स्टेशनरी होती है, हॉस्पिटल में स्टेशनरी से थोड़े ऑपरेशन करेंगे, तो हॉस्पिटल की कुछ सप्लाईज भी होती है, ये भी बिल्कुल ऑफिस सप्लाईज जैसा ही है, ये भी इन्वेंट्री का लेजर ही बनना था। इसमें भी ओपनिंग डाल दो आप, उन्होंने बनाना था नहीं बनाना था, मैंने कहा आप बना दो आसानी हो जाएगी, ठीक है, आप पढ़ी हुई ना अभी इनके प्रेजेंट में करते जा रहे हो, तो ओपनिंग लिखो, परचेज ट्रायल में गिवन है पेड की फिगर, तो परचेज की फिगर लिखो, क्लोजिंग गिवन है 0.1 में, क्लोजिंग लिखो, बैलेंसिंग फिगर आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं कहना इसको, हॉस्पिटल सप्लाईज कंज्यूम कहने में। ये दो मेन बातें थी सबसे बड़ी। उसके बाद वो कहता है ये रेंट में कैफेटेरिया चला रहे हैं लोग, अब ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है इनकी, ठीक है, यहां से भी जो पैसे आएंगे जाहिर है वो अपने अस्पताल के लिए यूज करते हैं, घर लेके नहीं जाते, बताया हुआ आपको। तो इसमें कह रहा है कि जी कैफेटेरिया का स्टॉक का क्लोजिंग हम काउंट नहीं कर पाए आज, अनलकीली कोई बात नहीं, काउंट नहीं कर पाए तो बाकी डाटा ऐसा दिया होगा उसने, ओपनिंग गिवन है कैंटीन के स्टॉक का, ओपनिंग गिवन है कैंटीन के स्टॉक, कैंटीन की सप्लाईज परचेजेस ट्रायल के अंदर गिवन है, उठा लोगे, क्लोजिंग नहीं ना गिवन, कॉस्ट ऑफ सेल का डाटा गिवन है, या कहीं से सेल निकल आनी थी, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है काम, आप ना वैसे ही बस कह देते हो, ये कह देना आसान है, बस ये आसान ही है, मुश्किल है, ट्राई अच्छी तरीके ट्राई करें, ऐसे ही करनी है। हाँ जी, मेडिसिन एक्सपायर होना ये एक नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस नहीं है, आग नहीं लगी, एक्सपायरी वक्त के साथ हो जाती है। नॉर्मल लॉस की एंट्री वैसे हम परपेचुअल सिस्टम में, ये पीरियडिक सिस्टम में नहीं किया करते थे, ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने इन्वेंट्री का लेजर बनवा दिया है तो उसकी एंट्री भी कर दो, क्लोजिंग को एडजस्ट भी कर दो। अब इसमें और आप बुक वाले सॉल्यूशन में थोड़ा सा फर्क आएगा, बुक वाले सॉल्यूशन में सिर्फ क्लोजिंग को कम करके सारे का सारा कॉस्ट ऑफ सेल जैसे होती थी कंज्यूम को चार्ज कर दिया, कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक है, उसमें कंजम्पशन को ही चार्ज होना था, लेकिन आप एंट्री कर दो अलग और फिर क्लोजिंग से भी निकाल दो, तो आपकी कंज्यूम की थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन साथ साथ एक लॉस भी आ जाएगा, वो दोनों आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस में शो कर दो, नो इशू, दोनों तरह से सही है, आप एंट्री करो और क्लोजिंग को भी एडजस्ट करो, ये दोनों अलग अलग दिखा दो, चाहे सिर्फ क्लोजिंग को कम कर दो एक्सपायर्ड इन्वेंट्री से। कल मैं कराऊंगा सवाल, लेकिन मैं चाह रहा हूं ऐसे तो नहीं ना कि आप कह रहे जस्ट आप कह रहे बस नहीं होना मुश्किल है बस, ये क्या, ठीक है, तो दोनों तरह से कर सकते हो भाई आप, जिन्होंने ट्राई किया उनको ये जवाब मिल रहे हैं। अच्छा आगे ये निकाल लो कि भाई आप इंशाल्लाह सेल ऑफ कैफेटेरिया निकल आएगी, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, सेल कहीं से निकलेगी पता नहीं, कहां से निकलेगी मुझे नहीं पता, निकलेगी ठीक है, शायद गिवन हो सवाल के अंदर ट्रायल में, तो सेल की फिगर सेम इतना बता दूं, सेल की फिगर सेम कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, और कॉस्ट ऑफ सेल को लेकर आओगे स्टॉक के लेजर में तो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा कैंटीन का, ये मैं तरतीब बता रहा हूं आपको, ऐसे होना है, करके तो देखो कम से कम। उसके बाद ये पॉइंट जो है ना, ये मैं बताऊंगा कल के क्यों मैं कह रहा हूं ये बात, इसको आपने इग्नोर करना था सवाल के अंदर, इग्नोर कैसे करना है, ये क्या हुआ किधर गया इसको छोड़े, ये जस्ट इग्नोर करना है, इसको समझाऊंगा कल, अभी टाइम नहीं है, ठीक है ना, इसको जस्ट इग्नोर करना है, वजह बताऊंगा ऐसे नहीं, लेकिन फिलहाल जस्ट इग्नोर करना है।
आगे जी वॉक ऑन डायबिटीज डे, ये वही है जो इवेंट है, इवेंट है, सब्सक्रिप्शन नहीं, वो जो इवेंट करवाते थे जो हमने मैच करवाया था पहले दिन, इन्होंने वॉक ऑन डायबिटीज डे करवा दी। एक तरफ इनकम, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस, एक तरफ इनकम दूसरी तरफ एक्सपेंसेस, नेट करके इनकम या एक्सपेंस, ठीक है, इसको भी देख लेना। मेडिकल इक्विपमेंट है और डेप्रिसिएशन है, अब ट्राई करना इसको। देखो एक अगला सवाल पड़ा हुआ है, ये सवाल मैंने बिल्कुल एंड पे होमवर्क में देना है, क्योंकि सारा का नॉलेज होने के बाद ये वाला सवाल हो सकता है, इसलिए इसको भी देखना भी नहीं आपने, ठीक है ना। तो कल आप ये ट्राई करके आओगे अच्छी तरह से, और कोई सवाल बचा नहीं है किसी काम का, ठीक है, ये सवाल ट्राई करके आओगे, और मैं आपको थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करके जरूरत महसूस जितनी करूंगा, उसके बाद में आपके बाकी सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके मॉडर्ना वाला सवाल आपको दे दूंगा होमवर्क में। वो फिर दो दिन लगे रहो, तीन दिन लगे रहो, करना जब होगा तो कर लेंगे, मैं वीडियो कोई शेयर कर दूंगी, मेरा मसला है, ठीक है ना, लेकिन ये सवाल बाद में करेंगे। तो कल आपने ये ट्रायल वाला सवाल लाजमी करके आना है चौंगताल इंटरनेशनल, ठीक है। सिलेबस भाई करेक्शन ऑफ एरर आपका नहीं है, आपका IAS 23 होगा, उसके बाद IAS 1 होगा, IAS 8 होगा, IAS 7 होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है जी, ये आपका सिलेबस होगा। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।